नून लीग ने अपना पार्लियामानी लीडर मुकर्रर कर दिया है, तो सुनिए ताज कौंसिल कब अपना पार्लियामानी लीडर मुकर्रर करेगी और आपकी फैसला करेंगे जी इंशाल्लाह। आज की मीटिंग के अंदर तो आप खुद रहेंगे पार्लियामानी लीडर या पीटीआई के? अच्छा, क्या हिकमत अमली होगी वज़ीर आज़म के इलेक्शन के हवाले से? डाकुओं के लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है मेरा भाई, वही जो गुज़श्ता दो रोज़ है। खुद तो आप इस असेंबली में आ रहे हैं, बैठ भी रहे हैं और फिर उसके बाद वैलिडेट भी कर रहे हैं, तो कहते हैं तो मैं असेंबली से छोड़ के चला जाता हूं, फिर आप ये कहेंगे कि असेंबली छोड़ी क्यों है? अच्छा, पार्लियामानी पार्टी का इजलास अंदर चल रहा है, आप लेट हो गए काफी, क्या भाई जान, लेट बंदा हो ही जाता है लेकिन वो लेट फॉर बैड पर्पज नहीं है, फॉर गुड पर्पज। की जो नामजदगी है उसको काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल उसे बलूचिस्तान के तनाजुर में देखना चाहिए हमें। बहुत सारे रिजर्वेशंस लोगों की हैं सामने, लेकिन हमने सिर्फ, चूंकि किसी भी बड़ी आईनी सीट के लिए अभी तक बलूचिस्तान से कोई नामजदगी नहीं हुई, तो हमने बलूचिस्तान की सूरतहाल को मद्देनजर रखते हुए उस इलाके की और सूबे की महरूमी को दूर करने के लिए उनकी नॉमिनेशन काफी करना चाहिए। आप क्या समझते हैं? पंजाब में करके देख लिया ना, टोकन धरना बाहर गए थे तो बाद में गिला हम पे आ गया कि जनाब ये बाहर चले गए थे, बायकॉट नहीं होगा, बायकॉट वाली बात ये भूल जाए ना नोली इंशाल्लाह। ठीक है।